राजस्थान सहित तमाम देश भर में दालों के जो दाम हैं वो आसमान छूते हुए जा रहे हैं। दालों के बढ़े हुए दामों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर कांग्रेस निशाना साध रही है, लेकिन दाल का दोषी कौन है ये भला कौन बताएगा? एक तरफ जहां बिहार में चुनाव चल रहा है तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। महंगाई हो या फिर बढ़ते आपराधिक मामले, हर पार्टी दूसरे को घेरने में पीछे नहीं हटती। बीते रविवार को बिहार में केंद्र सरकार के दो मंत्रियों ने न सिर्फ पलटवार किया बल्कि महागठबंधन को घेरते हुए नीतीश को दाल प्याज की बढ़ी हुई कीमतों का जिम्मेदार ठहराया। क्या प्रयास किए जा रहे हैं दाल की कीमत कम करने? भारी स्टॉक का निर्यात किया गया है, आयात किया गया है और राज्यों को तो 6 महीना पहले से कहा जा रहा था कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप एस्टीमेट दो, मंगाओ। और राज्य को भी तो पत्र देना चाहिए कि हमको इतना चाहिए और इस मामले में राज्य क्या कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि देश में बढ़ी हुई कीमतों की जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस या अन्य कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि अब तो केंद्र ने ये साफ कर दिया कि असल में महंगाई बढ़ाने में राज्य की सरकार ही जिम्मेदार है। यानी राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी में बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं जो कि महंगाई के जिम्मेदार हैं। भले ही दालों के बड़े दामों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर कांग्रेस निशाना साध रही हो तो असल वजह आज सामने आ गई। कांग्रेस का कहना है कि मॉनसून दगा देने पर सरकार को पता चल गया था कि इस बार दलहन का उत्पाद कमजोर होगा, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया, लिहाजा आज दालों के दाम 200 रुपए प्रति किलो पार हो गए हैं। खैर, कांग्रेस तो मोदी की चाय की चर्चा की तरह अब दाल की चर्चा कर प्रदर्शन करने का रुख अख्तियार करेगी, लेकिन इन सबके बीच सवाल एक ही है कि आम इंसान को प्रदर्शन के बाद दालों के दामों में राहत मिल जाएगी? देखा जाए तो जयपुर में दालों की कीमत 40% तक बढ़ चुकी है। सब्जियों के दामों में तेजी के बीच दालों के बड़े भावों ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। खास तौर पर जिस तरह बीते 3 महीने से दाल के दामों में इजाफा देखा गया तो इसकी वजह भी टटोली गई। मॉनसून की बेरुखी और वायदा बाजार को दालों के बढ़ते भावों के लिए बड़ा जिम्मेदार माना गया। वहीं जमाखोरी जैसे मसले को लेकर भी सरकारी प्रयासों पर सवाल किए गए। जानकार मानते हैं कि सरकार को इस बात का अंदाजा देरी से लगा कि दालें महंगी हो रही हैं। ऐसे में जो आयात हुआ वो देरी से हुआ और अब तक आयातित दालें बाजार की मांग को पूरा नहीं कर पाई। लेकिन बिहार में केंद्रीय मंत्री के बयान ने ये साफ कर दिया कि जिम्मेदार कौन है। जाहिर है कि सरकार ने जो दालें मंगवाई हैं वो अब तक पोर्ट पर ही पड़ी हुई हैं। इस बीच बाहर की दालों को लेकर देश के बाजार का रुझान भी कम ही नजर आता है। ऐसे में त्योहारों के मौसम में आग में घी का काम किया है और दाल के भाव 1 महीने में ही 8 रुपए से लेकर 50 रुपए तक प्रति किलो तक ऊपर आ गए। खास तौर पर अरहर की दाल सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनती जा रही है। बीते 3 हफ्तों में अरहर की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई और किराना दुकानों में अरहर दाल 200 से 220 रुपए किलो तक बिकने लगी है। सवाल है कि क्या सरकार लगातार बढ़ती इस महंगाई को काबू पाने के प्रयास कर रही है? क्या सच में सरकार की नजर इन हालात पर है? फिलहाल इंतजार राहत का है। क्या रसोई के अच्छे दिनों का इंतजार अभी और करना होगा? और क्या वसुंधरा को बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार बताना सही होगा?